हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी स्पाइस रिव्यू पे आपका स्वागत है। आज हम फिर से नया वेब सीरीज लेके आए रिव्यू ऐप की। ये वेब सीरीज है तो आपने थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा। ये जो वेब सीरीज शहद वेब सीरीज है जो कि उर्दू ऐप पे रिलीज हुई है, आज ही के डेट में रिलीज हुई 16 तारीख को, 16 सितंबर है आज का डेट। और इस वेब सीरीज में जो लीड एक्ट्रेस में प्रिया डामवे ने इस वेब सीरीज में इतना आगे बढ़ा रखा है कि इस वेब सीरीज के अंदर ही पूर्व कह सकते हो आप, ये प्रिया डामवे ने पूरे उर्दू ऐप के अंदर आगे बढ़ा रखा है। हाँ जी, तो एकदम सही सुना आपने, मतलब प्रिया डामवे ने पूरे उर्दू ऐप के अंदर आगे बढ़ा रखा है। मतलब प्रिया, आपने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था प्रिया डामवे से कि या उर्दू ऐप से इतना वापस सेंसिटिव उर्दू ऐप तक दे सकता है कि मतलब मटकी में जितना, मतलब प्रिया डामवे ने जितना बोर्ड में वॉकिंग किया उससे भी एक स्टेप ऊपर जाके इन्होंने ये इसमें बोर्ड और वॉकिंग दिए। ठीक है, जैसे मंदाकिनी ने एक अपना वाइट साड़ी में आपको ट्रांसपेरेंट एक मतलब सीन दिया था इन बुक में, उसी पर प्रिया डामवे ने भी इस वेब सीरीज के अंदर एक ऐसा ही सीन दिया जिसकी इतनी ज़्यादा, मतलब पूरे वेब सीरीज के अंदर मुझे ऐसा लगता है वो सीन सबसे ज़्यादा सुपर हिट है, मुझे सबसे ज़्यादा वो दूर द्वारा देखा गया होगा। ठीक है, तो चलिए इस सब हम इतना प्रिया डामवे के बारे में, अब हम कास्ट एक्टर्स पे आ जाते हैं। प्रिया डामवे है इसमें जो मेन लीड एक्टर्स है जो कि भाभी का वो बेटी है, बबुन सागर, प्रशांत है, मंजू अलगा जो किसी सास के वो। ठीक, और ये जो वेब सीरीज है जिसका रोटेशन एक गाँव में शूट किया गया, उर्दू ऐप का एक अच्छी बात है, मतलब जो भी एक वेब सीरीज होता है ऐसा नहीं कि ड्रैगन वो एक परफेक्ट रोटेशन पे ऐसे शूट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को देखने में बहुत फील आता है उस जगह का, और मतलब होता है ना पूरा वातावरण का वेब सीरीज के अंदर। और जो ये मेन लीड है रोटेशन हो गया, और इसमें जो कॉस्ट्यूम है पूरे वेब सीरीज में प्रिया डामवे सारी पहन दी गई, जिसमें वो भाभी का बहुत प्ले करती, वो भी गाँव की भाभी का आपको पता है गाँव में ज़्यादा साड़ी सभी पहनती। ठीक है, और ये हो गया कॉस्ट्यूम के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं स्टोरी के बारे में। तो ये वेब सीरीज जो है ये मेनली भाभी देवल वेब स्टोरी हो या फिर बारे में वेब सीरीज कह सकते हो, जिसमें ऐसा है कि प्रिया डामवे का जब शादी में जाती है तो उसका जो देवर रहता है प्रशांत का, जो उसके जिसको प्रिया डामवे का नजर रहता है, वो अपनी मान लीजिए प्रिया डामवे बहुत ही पसंद करता है। और वो करता है क्या है कि प्रिया डामवे जिसमें सोती है उसमें चले उसमें रोमांस करती है, और वो उसमें कोई बना लेता है उसको देखता है, ये चीज़ प्रिया डामवे को पता चल जाती है। ठीक ना, तो ये वेब सीरीज में आपको फर्स्ट पार्ट में प्रिया डामवे का जो मेकिंग सीन दिखाया गया पूरे फर्स्ट पार्ट में, प्रिया डामवे का आपको फर्स्ट पार्ट में उसका बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक, और लास्ट में प्रिया डामवे को जो पता चलता है कि उसका देवा उसको देखता फिर ना, और फिर होता ये कि लास्ट में प्रिया डामवे अपना सीन सेटिस्फाई नहीं करती। तो अभी इसके बाद देखना होगा सेकेंड पार्ट में, जो प्रिया डामवे अपने देवा के साथ वो लव मेकिंग सीन कर मेकिंग सीन्स आते हैं या वो क्या करती है। और एक ट्रेलर भी दिखाया गया है कि वो कुछ टाटी वगैरह रख देती है जिसकी प्रिया डामवे का जो देवा रहता है जो भी मतलब कुछ हो गया, उसमें शहद रहा था फर्स्ट पार्ट में कुछ ऐसा दिखाई नहीं गया, क्योंकि सेकंड पार्ट में दिखाया गया। ठीक है, और सेकंड पार्ट स्टोरी से ज़्यादा विवॉक्टिव सीन्स की वजह से ये वेब सीरीज बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो गई, और इसमें प्रिया डामवे फर्स्ट पार्ट में मतलब 80% ऑफ द पूरे वेब सीरीज में फर्स्ट विवॉक्टिव सीन विवॉक्टिव सीन्स ये दिए गए हैं प्रिया डामवे का, इसकी वजह से वेब सीरीज बहुत ज़्यादा ही मतलब लोगों को पसंद किया जा रहा है। ठीक है, और अभी सेकेंड पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और है, तो उसमें ये देखना होगा प्रिया डामवे अपने देवर के साथ भी उनका रूटीन सीन्स आता है या कुछ नया नो आता है कि न उसमें शहद का क्या वो प्रयोग होता है और वो कैसी इस वेब सीरीज। वेब सीरीज एकदम नहीं कह सकते आप एक बार वन टाइम, मुझे तो लगता है जिन लोगों ने ये वेब सीरीज देखा और 4-5 बार तो जरूर देख लिया होगा इस वेब सीरीज को, क्योंकि वेब सीरीज तो मटेरियल को भी फेल कर चुकी है। ओके, मैं रिव्यू पसंद है और प्लीज़ जाइए और इस वेब सीरीज को जरूर देखिए प्रिया डामवे को इस वेब सीरीज के अंदर। थैंक यू सो मच, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। थैंक यू।